पहल रखते हैं और समाज के बीच जो जाकर आप अपना भूमि दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरह आप अपने जनता को बताइए कि किस तरह अभी जो है पहल और आंदोलन छेड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर, अस्पताल बेगूसराय को लेकर, किस तरह आप इस मुहिम को छेड़ें? देखिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के दुख सुख में होने वाले हर कार्यक्रम से जुड़ना पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि स्टेट बैंक का रीजनल कार्यालय बेगूसराय बंद करके बिहार से तबादला कर दिया गया था, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़े थे और हमारी जीत हुई थी। बेगूसराय के सभी पार्टी के सभी पत्रकार, सभी समाज से भी सभी लोगों ने मदद किया था और हम जीते। आज बेगूसराय का स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस आप देख लीजिए, हर महादेव चौक पर है। फिर लड़ाई हमारी शुरू हुई श्रम विभाग का उपायुक्त, श्रम उपायुक्त श्रमायुक्त का कार्यालय जो सुभाष चौक पर है, उप श्रमायुक्त कार्यालय बेगूसराय बंद करके मुंगेर पूरे कार्यालय सहित स्थापित किया जा रहा था, चिट्ठी निकल गया था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। आपको याद होगा कि हम उस समय जब हमारे अभी वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं जो मंझौला आए थे, हमने उन्हें मांग पत्र दिया था रामनाथ कोविंद साहब को और उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत किया, फिर मुख्यमंत्री से हम स्वयं भी मिले माननीय नीतीश जी से और मिल करके बातचीत हुई। आज देखिए बेगूसराय में उप श्रमायुक्त कार्यालय यहाँ है। तो जिला के दुख सुख से आपको याद होगा कि एनएच का स्थिति जर्जर था, लड़ाई हम लोग लड़े, आज एनएच का स्थिति जाके देख लीजिए कितनी अच्छी स्थिति है। तो हम जिला के विकास के लिए लगातार लड़ते हैं। आज श्री बाबू का नमक सत्याग्रह आंदोलन कोई नहीं जानता था, गढ़पुरा का नमक सत्याग्रह, लेकिन हम प्रथम अध्यक्ष थे गढ़पुरा नमक सत्याग्रह आंदोलन के और जब आंदोलन के लिए हम अध्यक्ष होने के नाते जो लगातार पदयात्रा का शुभारंभ किए, हम थे राजीव नंदन जी थे, राजीव कुमार जी थे, सब लोगों ने आंदोलन किया, पदयात्रा किया। आज देखिए जाकर गढ़पुरा का नमक सत्याग्रह स्थल को कांग्रेस के साधन सिंह ने भी वहाँ प्रतिमा लगाई। तो सवाल है कि जो समाज के लिए काम करना मेरा धर्म है, हम करते हैं। आज बेगूसराय सदर अस्पताल से आपने प्रश्न उठाया कि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का नाम मिटा दिया गया, तो मिटाया गया तो हम बेगूसराय के 36 लाख आबादी को जानकारी देना चाहते हैं कि इसको कब नाम लिखाया गया था, क्यों कैसे नाम लिखाया गया और नाम लिखाने के बाद कब तक नाम रहा और फिर कैसे मिटाया गया। हम पूरे जिला के 36 लाख आबादी को बताना चाहते हैं। आज से दो मिनट हम सुन लीजिए आप मेरी बात कि बेगूसराय जिला में 2000 में आपको याद होगा कि पूर्व में रोटरी क्लब के द्वारा हर महादेव चौक पर एक ब्लड बैंक था, रोटरी क्लब ब्लड बैंक, बहुत बढ़िया ब्लड बैंक था, लाखों लोग उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन किसी ने केस कर दिया कि आप ब्लड बैंक सड़क के अतिक्रमण में, एनएच के अतिक्रमण में है। हाईकोर्ट में केस गया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि तो अतिक्रमण में है तो इसको तोड़ हटा दीजिए। जब नापने वालों ने जब अतिक्रमण का नाप कर रहा था तो नापने वालों ने देश रत्न को भी नाप दिया, चौक पर हर महादेव चौक उनकी प्रतिमा लगी हुई थी और तब हाईकोर्ट ने आदेश दिया चूंकि देश रत्न की प्रतिमा है इसलिए सम्मान इस प्रतिमा को सदर अस्पताल में स्थापित किया जाए और उनके स्मृति में स्थापित किया है। तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय में जाकर कोर्ट में स्वीकार किया और उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हर महादेव चौक से देश रत्न की प्रतिमा को सदर अस्पताल में स्थापित किया गया। स्व समारोह, जिस समारोह में माननीय सांसद भी थे, जिला पदाधिकारी और जिला के कई बड़े अधिकारी गरिमा उपस्थिति में उसी का घूमने प्रतिमा स्थापित हुआ, उसी में घोषणा हुआ कि सदर अस्पताल का नाम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मृति में घोषणा किया जाए और उसमें बाद में लिखा गया कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर अस्पताल। 2000 से लेकर के 2017 तक 16-17 तक हम लोगों ने देखा है कि अस्पताल के भवन में अब मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर अस्पताल बेगूसराय। एक आप जान लीजिए कि एक केस में अगर कोई एक अभियुक्त आई विटनेस बन जाता है तो फांसी की सजा हो जाती है। बेगूसराय की 36 लाख आबादी देखा है कि सदर अस्पताल में नाम लिखा हुआ था और इसको झुठलाना किसी के बस की बात नहीं है और ये जो ये बिल्कुल समाज का देश के विरुद्ध बेवफाई प्रतीत होता है, ये बेवफा है देश के प्रति जिन लोगों ने इस तरह का मिटाने का काम किया है। और हम इस बात को जब हम उठाए मुद्दा को तो आप माननीय जिला पदाधिकारी को हमने सबसे पहले चुना दिया, उसके बाद जिला पदाधिकारी ने अस्पताल को स्पष्टीकरण मंगा कि इस पर स्पष्टीकरण दीजिए और अस्पताल अधीक्षक ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण में उन्होंने लिखा कि हाँ जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार लिखा गया। तो हम पूछना चाहते हैं, बेगूसराय वासी को बताना चाहते हैं कि जब सरकार ने प्रतिमा स्थापित किया, सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय उनके स्मृति में लगाने का काम किया, जिला पदाधिकारी ने नाम लिखाया, तब जिला पदाधिकारी सरकार का प्रतिनिधि होते हैं, जब नाम लिखा गया तो मिटाने का अधिकार किसको था?
बिना किसी अनुमति का, ना जिला प्रशासन से अनुमति लिया गया, ना किसी न्यायालय का परमिशन लिया गया, ना फिर मिटा दिया गया, या देश के प्रति बेवफाई नहीं लगता है क्या? मैंने किसी महान पुरुष को मिटा देना या वाजिब लगता है? हम बेगूसराय के वासियों को जानकारी देना चाहते हैं। और ये भी जान लीजिए, जब इस मुद्दा को जब माननीय बेगूसराय के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह को जब हम जानकारी दिए, वो काफ़ी आक्रोशित हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बर्दाश्त के बाहर की बात है। तुरंत उन्होंने जिला पदाधिकारी को फोन किया और पत्र लिख करके उन्होंने आग्रह किया कि तुरंत अभिनव इसका नाम लिखाना चाहिए। माननीय सांसद विधायक विधायिका श्रीमती अमिता भूषण ने भी इसको सवाल को उठाई और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा खुलेगा, पहला मेरा प्रश्न जाएगा विधानसभा। सर को जो है आपके माननीय सांसद जी का जो चिट्ठी है और विधायक जी ने वो थोड़ा सा दिखाने का, हम आपको दिखा देते हैं। मैंने सब साक्ष्य हम आपके बीच लाना चाहते हैं, ला देंगे। बेगूसराय की सभी राजनीतिक पार्टी, जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सभी लोगों ने लिख करके समर्थन किया है कि मैंने कि सब समर्थन क्या किया, नहीं देश के प्रति अपमान है कि देश के राजेंद्र बाबू का नाम मिटाना या देश के प्रति अपमान है, इसलिए विलम्ब उनका नाम लिखाना चाहिए। इसमें भाजपा के लोगों ने समर्थन किया है, जदयू के लोगों ने समर्थन किया है, राजद के लोगों ने समर्थन किया, कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया है, सीपीआई के लोगों ने समर्थन किया, सीपीएम के लोगों ने समर्थन किया, बेगूसराय के जनवादी लेखक संघ ने समर्थन किया, वरुणी तेल शोधक मजदूर यूनियन ने समर्थन किया, माध्यमिक शिक्षक संघ ने समर्थन किया, जिला के कई जन संगठन ने समर्थन किया। आप देख लीजिए, ये पत्र है माननीय श्री गिरिराज सिंह का, आप देखिए इसको, आप अस्थिर से देख लीजिए, माननीय गिरिराज सिंह ने पत्र दिया है। इस पत्र के बाद आप देख सकते हैं कि अमिता भूषण जी, माननीय विधायक हमारे अमिता भूषण जी, इन्होंने पत्र दिया। बेगूसराय के डॉक्टरों का संगठन है आईएमए इंडियन मेडिकल संघ, ये चिकित्सकों का, उन्होंने भी विरोध किया कि देशभक्त के प्रति अपमान या सही नहीं है, इसलिए पुनः नामांकन कराना चाहिए। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि जिला के कई अन्य भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, जदयू ने भी इसका समर्थन किया, जदयू के जिला अध्यक्ष ने समर्थन पत्र दिया। ये आप देख लीजिए कि माननीय गिरिराज सिंह का पत्र है, नगर निगम के पूर्व उप महापौर प्रभारी महापौर का समर्थन है। आप ये देख लीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम के लोगों ने समर्थन दिया है। ये आप देख लीजिए कि जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मोहित यादव जी ने समर्थन पत्र दिया है। ये देख लीजिए सीपीआई के से पूर्व विधायक अवधेश राय ने समर्थन पत्र दिया है। ये देखिए आप दिखा रहे हैं कि ये भगवान प्रसाद सिंह है, जनवादी लेखक संघ से जुड़े हैं, उन्होंने ये समर्थन पत्र दिया है, ये शिक्षाविद हैं। इसके बाद आप देख लीजिए सुरेश राय, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव राज्य स्तरीय है, इन्होंने समर्थन दिया है। ये वरुणी तेल शोधक मजदूर यूनियन के लोगों ने समर्थन प्राप्त दिया है। ये जिला स्वयंसेवी महासंघ से समर्थन प्राप्त हुआ है। ये देखिए प्रगतिशील लेखक संघ का समर्थन है। ये लगातार आप हम कई पत्र आपको दिखाएंगे। ये बेगूसराय के व्यवसायियों ने समर्थन, ये व्यवसायी सुरक्षा बाइक कि लगातार बेगूसराय के कई ऐसे जन संगठन हैं जिन्होंने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से समर्थन पत्र लगातार दे रहे हैं। बेगूसराय ही नहीं, बिहार के 22 जिला में इसके लिए आंदोलन शुरू हो गया, झारखंड में आंदोलन शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, दिल्ली में से हमको मैं सूचना आ रहा, दिल्ली में लोगों ने इसका मांग उठाना शुरू कर दिया। ये देश के राष्ट्र प्रथम राष्ट्रपति का अपमान या किसी पूरे देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बेगूसराय के 36 लाख, बिहार के 12 करोड़ और पूरे देश को जानकारी देना चाहते हैं कि इस महान पुरुष का अपमान का हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इस महान पुरुष के लिए जितना अंतिम दाग लड़ना होगा, हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। महान पुरुष, कुछ लोग सोशल मीडिया पर इक्के दुक्के लोग जो बने, जो स्वयं जातिवाद से ग्रसित हैं, वो जातिवाद का फैलाना चाहते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं, अगर महान पुरुष के लिए काम करना अगर कोई जातिवाद कहता है, तो हम श्रीबाबू के लिए काम करके हम भूमिहार बनना स्वीकार करते हैं, दिनकर के लिए काम करके हम भूमिहार बनना कबूल करते हैं, हम अम्बेडकर के लिए काम करके अपने को हरिजन बनना स्वीकार करते हैं, हम किसी भी जात बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अब काम करना, महान पुरुष के लिए काम करना कोई जात नहीं होता है। महान पुरुष किसी जात के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, महान पुरुष देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, स्वतंत्रता संग्राम की इन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके लिए काम करना देशभक्ति मेरा है। और भक्ति के लिए मैं तब तक लड़ाई लड़ूंगा, मेरा जान रहे या जाए, मैं जिसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन इस अपमान को मैं लड़ते रहूंगा। मुझे विश्वास है सरकार के से इसका न्याय मिलेगा और न्याय लेकर के हम आपके बीच फिर पुनः आपके बीच आएंगे और बेगूसराय जनता की जीत होगी। बेगूसराय जीतेगा, देश रत्न का सम्मान पूरी दुनिया में जैसे बढ़ रहा और भी बढ़ेगा। हम इसी शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं, भारत जिंदाबाद, बेगूसराय जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू जिंदाबाद।